हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाइंग ऑटोमेटिकली स्टार्टेड सिस्टम प्रोसेस, जिसमें आज हम सिस्टम डीमन और नेटवर्क सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, जो सिस्टम डी सर्विस और सॉकेट यूनिट द्वारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम समझते हैं सिस्टम डी को। सिस्टम डी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो स्टार्टअप प्रोसेस को मैनेज करता है, मतलब वो प्रोसेस जो सिस्टम ऑन होने पर स्टार्ट होते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज डीमन। डीमन प्रोसेस होता है जो बैकग्राउंड में रन करते हैं या वेट करते हैं रन करने के लिए, और कई सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तब ये प्रोसेस रन होते हैं, और जब तक हमारा सिस्टम ऑन है तब तक ये बैकग्राउंड में रन करेंगे। कई डीमन प्रोसेस के नेम के लास्ट में डी होता है। लिनक्स में सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो है सिस्टम डी, जिसका प्रोसेस आईडी 1 होता है। डिस्क्राइबिंग सिस्टम डी यूनिट्स। सिस्टम डी यूनिट्स का यूज़ करता है ताकि वो डिफरेंट स्टार्टअप प्रोसेस को मैनेज कर सके। टोटल 12 यूनिट्स होते हैं सिस्टम डी में, जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, बट हम ये सब नहीं समझने वाले। मैं आपको इम्पोर्टेंट यूनिट ही बताऊँगा। सबसे पहले है सर्विस यूनिट, एक्सटेंशन डॉट सर्विस। ये सिस्टम सर्विस और डेमन को मैनेज करता है। देन सॉकेट यूनिट, एक्सटेंशन डॉट सॉकेट। ये मॉनिटर करता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सॉकेट को, और सर्विस एक्टिवेट करता है जब जरूरत होता है। देन पाथ यूनिट, एक्सटेंशन डॉट पाथ। ये सर्विस एक्टिवेशन को डिले करता है जब तक किसी स्पेसिफिक फाइल में कोई चेंज ना आए। अगर आपको सभी यूनिट को लिस्ट करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL लिस्ट हाइफन यूनिट्स हाइफन हाइफन ऑल। ये सारे यूनिट्स को लिस्ट कर देगा, चाहे वो एक्टिवेट हो या इनएक्टिवेट। एक्टिवेट मतलब जो रनिंग स्टेट में है, और इनएक्टिवेट मतलब रनिंग स्टेट में नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलर यूनिट को देखना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL लिस्ट हाइफन यूनिट्स हाइफन हाइफन टाइप इक्वल टू यूनिट नेम। एग्जांपल, अगर आपको सर्विस से रिलेटेड यूनिट लिस्ट करना है तो सिस्टम CTL लिस्ट हाइफन यूनिट्स हाइफन हाइफन टाइप इक्वल टू सर्विस। अगर आपको सॉकेट से रिलेटेड यूनिट लिस्ट करना है तो सिस्टम CTL लिस्ट हाइफन यूनिट्स हाइफन हाइफन टाइप इक्वल टू सॉकेट। अगर आपको सारे यूनिट फाइल को लिस्ट करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL लिस्ट हाइफन यूनिट्स हाइफन फाइल्स। इसको मैं अच्छे से प्रैक्टिकल पार्ट में समझाऊंगा। अगर आपको किसी यूनिट का स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL स्टेटस यूनिट नेम डॉट टाइप। वेरीफाई स्टेटस ऑफ द सर्विस। अगर आपको चेक करना है कि कोई प्रोसेस एक्टिवेट है या नहीं, उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL इज हाइफन एक्टिव देन नेम। अगर एक्टिवेट होगा तो एक्टिव आउटपुट आएगा, अदरवाइज इनएक्टिवेट। अगर आपको चेक करना है कि सर्विस अनेबल है या नहीं, अनेबल का मतलब होता है कि जब सिस्टम बूट होगा तब सर्विस स्टार्ट होगा, उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL इज हाइफन अनेबल्ड नेम। अगर अनेबल होगा तो आउटपुट अनेबल आएगा, अदरवाइज डिसेबल्ड। अगर आपको चेक करना है कि यूनिट स्टार्टअप के टाइम फेल हुआ है या नहीं, उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL इज हाइफन फेल्ड नेम। अगर एक्टिवेट आया इसका मतलब कि वो प्रॉपर रन कर रहा है, अगर फेल्ड आया इसका मतलब स्टार्टिंग के टाइम कुछ एरर है। अगर आपको फेल्ड यूनिट लिस्ट करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL हाइफन हाइफन फेल्ड स्पेस हाइफन हाइफन टाइप इक्वल टू सर्विस। थ्योरी पार्ट में इतना ही, प्रैक्टिकल पार्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट करके दिखाता हूँ कि मेरे सिस्टम में कितने यूनिट्स हैं। उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL हाइफन टी हेल्प एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सिस्टम में टोटल 11 यूनिट्स हैं। इसको मैं अब क्लियर कर देता हूँ। अगर सारे यूनिट लिस्ट करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL लिस्ट हाइफन यूनिट्स हाइफन हाइफन ऑल एंटर। ये थोड़ा सा जूम फॉर्मेट में है, मैं इसको छोटा करता हूँ। तो ये जो होता है 5 कॉलम में डिवाइड होता है, जो इसका आउटपुट आता है। सबसे पहले है यूनिट, ये बताता है यूनिट का नेम। उसके बाद है लोड, ये बताता है कि यूनिट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल ठीक से लोड हुआ है या नहीं। थर्ड कॉलम है एक्टिव,
ये बताता है करंट स्टेटस ऑफ द यूनिट। चौथा है सब, ये और भी ज़्यादा डिटेल देता है स्टेटस के बारे में। लास्ट में डिस्क्रिप्शन, ये बताता है यूनिट का पर्पस। इसको क्विट करने के लिए हम की प्रेस करते हैं क्यू। ये क्विट हो गया, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको सर्विस से रिलेटेड यूनिट देखने हैं तो उसके लिए कमांड है सिस्टम CTR लिस्ट हाइफन यूनिट्स हाइफन हाइफन टाइप इक्वल टू सर्विस, एंटर। ये भी जो होते हैं 5 कॉलम में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले है यूनिट, देन लोड, देन एक्टिव, देन सब, देन डिस्क्रिप्शन। क्विट करने के लिए क्यू। अगर आपको किसी दूसरे यूनिट से रिलेटेड सर्विस देखने हैं, लाइक सॉकेट से रिलेटेड देखने हैं आपको, देन सॉकेट, एंटर। तो यहाँ पर जो था आपको सॉकेट से रिलेटेड यूनिट दिख रहे होंगे, इनके लास्ट में आपको डॉट सॉकेट दिख रहा होगा, इसका मतलब ये सॉकेट से रिलेटेड यूनिट है। सर्विस में लास्ट में डॉट सर्विस होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से क्विट करने के लिए क्यू, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको सभी यूनिट्स फाइल को लिस्ट करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL लिस्ट हाइफन यूनिट हाइफन फाइल्स, एंटर। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। इसमें कई सारे स्टेट होते हैं, मैं आपको सभी स्टेट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं अनेबल्ड, इसका मतलब इस यूनिट को सेट कर रखा है अपने आप स्टार्ट होने के लिए जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा। दूसरा है डिसेबल्ड, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा है स्टैटिक, ये सिस्टम द्वारा दिया जाता है और इसका मतलब है कि हम इसको अनेबल्ड और डिसेबल्ड नहीं कर सकते। किसी किसी स्टेट में मास्क्ड होता है, ये यूनिट फाइल को डिसेबल्ड करता है और जब तक ये मास्क्ड है इसको हम अनेबल्ड नहीं कर सकते। कहीं कहीं पर अलाइस भी होता है, ये बताता है ऑल्टरनेट नेम ऑफ यूनिट जो दिया जाता है। ट्रांजिएंट, इसका मतलब ये यूनिट डायनामिकली क्रिएट हुआ है और अपने आप रिमूव हो जाएगा जब जरूरत नहीं होगा। लास्ट में है जनरेटेड, इसका मतलब यूनिट अपने आप जनरेट हुआ है और ये स्टैटिक फाइल नहीं है डिस्क में। यहाँ से क्विट होने के लिए क्यू, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अगर हमें चेक करना है कि कोई सा सर्विस एक्टिव है या नहीं है, उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL इज हाइफन एक्टिव, देन हमें सर्विस नेम देना होता है। मैं यहाँ से इस वाली सर्विस को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी कंट्रोल शिफ्ट वी, एंटर। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है एक्टिव, इसका मतलब ये रनिंग स्टेट में है। अगर मैं किसी और के लिए चेक करता हूँ, लाइक सिस्टम CTL इज एक्टिव, मैं ये वाला ले लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी कंट्रोल शिफ्ट वी, एंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है इनएक्टिव, इसका मतलब ये है कि रनिंग स्टेट में नहीं है ये अभी, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको किसी सर्विस का स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL स्टेटस देन सर्विस नेम, एंटर। यहाँ पर जो सबसे पहले आ रहा है इसका नेम, उसके बाद आ रहा है इसका लोडेड कि जो कि इसकी फाइल जो है वो लोड हुए या नहीं हुए, उसके बाद उसका स्टेट वो एक्टिव है या इनएक्टिव। यहाँ पे एक्टिव आ रहा है, इसका मतलब रनिंग स्टेट में है। इसके बाद आता है इसका प्रोसेस आईडी, इसके बाद इसके साथ कितने सारे जो होते हैं टास्क रिलेटेड हैं वो है 4। इसने कितना मेमोरी यूज़ किया है 4.7 MB, कितना CPU इसने यूज़ किया है 377 ms। तो ये जो होता है इसके बारे में स्टेटस बता रहा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको चेक करना है कि कोई सर्विस अनेबल्ड है या नहीं है, उसके लिए कमांड है सिस्टम इज एक्टिव की जगह हमें सिर्फ इज अनेबल्ड करना है, एंटर। तो यहाँ पर देख सकते हो डिसेबल्ड आ रहा है, इसका मतलब ये कि अपने आप स्टार्ट नहीं होगा। अगर मैं कोई और कमांड के लिए चेक करता हूँ इज अनेबल्ड, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अनेबल्ड आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो सर्विस है वो अपने आप स्टार्ट होगा जब हमारा सिस्टम बूट अप होगा, और जो अपाचे 2 वाला सर्विस है वो अपने आप स्टार्ट नहीं होगा जब हमारा सिस्टम बूट अप होगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको चेक करना है कि कोई सर्विस फेल्ड हुआ है नहीं हुआ, तो उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL, हमें सिर्फ इज अनेबल्ड की जगह इज फेल्ड करना है। यहाँ पे एक्टिव आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो सर्विस है वो फेल्ड नहीं हुआ है। अगर आपको सारे फेल्ड सर्विस को लिस्ट करना है तो उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL हाइफन हाइफन फेल्ड हाइफन हाइफन ऑल,
यहाँ पे हमें कह रहा है कि लोडेड जीरो यूनिट लिस्टेड, इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में कोई भी फेल्ड यूनिट नहीं है या कोई भी फेल्ड सर्विस नहीं है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।